दिमाग में आया और कैसे कोरियोग्राफ क्या क्या सोच रहे थे आप देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ए बी बंसल म्यूज़िक कंपनी जो है और ए बी बंसल म्यूज़िक प्रोडक्शन भी है उनको मेरे से कोई गाना कराना था सिंगल और वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि हमको एक गाना करना है बोला पहले तो मुझे गाना सुनना होगा क्या कर रहे फिर उन्होंने मुझे एक ट्रैक सुनाया बम बम बोले बोले और मुझे बताया कि वायरस ने किया है तो मेरा वायरस के साथ पहले जोड़ी बहुत अच्छी थी हम लोगों ने लक्ष्मी बम का बम बोले बम बम वो गाना किया था हिट हुआ था तो मिला ये गाना मैं करूँगा वायरस से बात कीजिए लेकिन ये करना किधर है तो उन्हें बोला आप बताइए तो मैं उस वक्त अजय देवगन प्रोडक्शन के लिए भोला के लिए वनारस से जा रहा था विद डांसर वनसर बड़ा गाना था मेरा मैं अजय देवगन से बात करता हूँ अगर वो मुझे परमिशन दे दे एक दिन शूट करेंगे तो मैं करूँगा मैंने अजय देवगन से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कर लो करके बस वहाँ पर फिर वो गाना शूट करने गए हम लोग फिर गाने में रहे मेहनत की वायरस से बात की बंसल जी को बताया फिर आ, एक एक्टर ईशान सहगल को उसमें हम लोग ब्लॉक किया बेसिकली सब जन ने मिल मिल के छोटा छोटा पार्ट किया मायरस ने भी अंदर पार्ट किया ईशान सैगल मैन मॉडल है उसके अंदर और आ, मैंने छोटा सा काम किया है फिर बंसल जी ने छोटा सा काम किया तो इस तरह से ये बम बम बोले गाना बना तो कितना था पे शूट करना। बहुत टफ था मैंने आपको पता ना कि जैसे कि नाइट शूट करना है डे शूट करना है एक दिन में करना है इतने डांसर्स इतना बड़ा क्रू है उसको लेकर ड्रॉन शॉट है जिमी शॉप है स्टडी कैम्प है बहुत बड़ा क्रू था लेकिन शिव जी की शिव जी साथ में थे विश्व काशीनाथ मंदिर के सामने कर रहे थे गंगा घाट पे थे इतने सारे घाट्स थे तो उनका आशीर्वाद था तो हो गया है ईशान कैसे बहुत अच्छा ईशान बहुत टैलेंटेड है बहुत ही हम्बल लड़का है डाउन टू अर्थ है बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करने के लिए मुझे इवन वायरस के साथ बहुत मजा आया काम को वायरस को तो मैं अभी मिला फर्स्ट टाइम गाना हमारा हिट था लक्ष्मी बॉम का और सबसे बड़ी बात तो आ, ए बी बंसल अभय बंसल जी के साथ काम करने बहुत मज़ा आया कमाल प्रोडक्शन है उनका कमाल उनका हर चीज़ बहुत प्लानिंग थी खर्चा दिल से किया क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि काशी मंदिर विश्व काशी मंदिर में कई तरह के गाना करूँगा उनका वो सपना पूरा हो गया और सब शिव जी ने बहुत ही स्मूथली कर दिया गाना आज आपके सामने आया है आप लोगों को पसंद आ रहा है पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि एक तो शिवरात्रि आ रही है शिवरात्रि के दिन इतना बड़ा गाना आ रहा है और शिव जी के भक्त तो पूरी दुनिया है और जब शिव शिवरात्रि होते शिवजी का गाना आता तो सब उसे मग्न हो जाते तो वही के के मतलब हाँ करेक्ट है देखिए जब भी शिवजी का गाना आता है मैं तो ही जाता हूँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ आप ये देखेंगे मेरी वाइफ का त्रिशूल के साथ नाम है शिव जी का हम लोग बहुत भक्त हैं मेरी वाइफ विधि मैं मेरी बेटी मेरी माँ हम लोग शिव जी को बहुत मानते हैं मतलब उनका नाम लेते ही हम लोग मतलब ऐसे हो जाते हुआ मतलब ये <laughs> <laughs> देखिए क्या है कि uh, मैं है ना गुरु नहीं हूँ मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी जब तक इस नाक की सांस चलती रहेगी मैं स्टूडेंट ही रहूँगा जिस वक्त मेरे को लग गया मैं गुरु बन गया उस दिन गणेश आचार्य जैसे चला जाएगा तो बी अ गुड स्टूडेंट मैं सीख रहा हूँ और इसलिए ऊपर वाला मुझे इस दर रखा है आपके सामने मेरे गाने हिट होते हैं आप लोगों को गुरु समझना अलग बात है लेकिन मैं खुद बहुत बड़ा स्टूडेंट हूँ मैं सीख रहा हूँ और सीखते रहना है हमेशा नया नया चीज करना है सर पिछले साल 2000 में आ, में मूवी पुष्पा भी आपने कमाल का चार्ट आ, रहा है है तो क्या क्या स्टाइल है इसके पीछे मतलब कि ऐसा कुछ नहीं तो पुष्पा पुष्पा वो अंटा मामा या उससे पहले भी मेरे बहुत सारे गाने हिट हुए थे ब्रह्मास्त्र के मेरे गाने हिट हुए बच्चन पांडे के मेरे गाने हिट हुए बहुत सारे गाने हिट हुए आ, सिंड्रेला के गाने हिट हुए मेरे बहुत सारे गाने हिट है कि क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर चल जाते तो गाना ज़्यादा हो जाता है अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं मेरे जैसे कि मेरे आज सेल्फी का गाना आया तू खिलाड़ी में आनाड़ी फिर ओ माय गॉड टू गाने वाले ये तू मक्का झूठी में, में मक्का आने वाले है। बहुत सारी चीज़ें तो कंटिन्यू गाने अच्छे आ रहे कोशिश यही है कि अच्छा काम करूँ पब्लिक को अच्छा लगे तो क्रिएटिव ब्लॉक नहीं आता है आपको नहीं आता ना मैंने आपको कहा ना मैं स्टूडेंट हूँ मैं सीख रहा हूँ जो सीखता हूँ वही पेश करता हूँ Uh, sir, आप कैसे ढूंढते हैं हैं नए गाने गाने किस तरह आप एक गाने की कोरियोग्राफी डिजाइन करते हैं क्या प्रोसेस है बहुत सिंपल है आपके एक्शन को देख के आपके आपके स्टाइल का कोरियोग्राफी कर दूंगा आप अगर नाक जाए तो कोरियोग्राफी सर जाए तो कोरियोग्राफी हो जाएगी आम लोगों के लिए करता हूँ मैं आम लोगों से उठाता हूँ ऐसे ऐसे सर जाए तो ततर ततर हो जाएगा तो वो मेरा यही है मैं कोरियोग्राफर कम चोरियोग्राफर ज़्यादा हूँ मैं लोगों से मूवमेंट चुरा लेता हूँ किसी को भी करने से पहले क्या क्या देखते हैं आप नॉन के लिए क्या टेक्निक रहती है आपके पास देखिए मेरे, तो मेरे जी, जी, राजेश करते थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी जैसा देश वैसा बेस तो जैसा आर्टिस्ट है उसके हिसाब से कोरियोग्राफी करूंगा तो गाना चलेगा कितना सही मीडियम मानते हैं 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 और क्या सस्टेन कर पाते पाते अपना करियर बना पाते हैं, आपको लगता है चारी? ये सवाल और ये जवाब इससे मैं बहुत दूर हूँ क्योंकि मैं खुद रियलिटी शो करता नहीं हूँ तो मैं पहले तो खुद रहे खुद रहे नहीं? नहीं मैं तो खुद को जज कर लूँ फिर दुनिया को जज करने की बात करूँगा तो मेरे लिए ये सवाल ही नहीं होता है आ, मैं इतना मालूम है कि अभी इस वक्त मैं बम 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 बोले बोले क्या मगर हूँ उनका वो गाने मेरा गाना चल रहा है मैं खुश हूँ uh, तो क्या, मेरी मेरी लड़ाई मेरे खुद से है लोगों से नहीं है मैं खुद से लड़ता हूँ खुद की कोशिश करता हूँ गणेश अभी क्या नया करेगा अभी क्या आगे करेगा अभी क्या करेगा मैं लोगों को अपना कॉम्पिटेटर मानता ही नहीं हूँ वो अपने जगह बेस्ट है और बेस्ट रहेंगे मैं अपने जगह सीख रहा हूँ मुझे सीखना है देखते नए 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 कोरियोग्राफर डांस टेक्निक लेके आते हैं सर तो आपको आपको लगता है कभी कभार कि कि भी ये चीज मतलब मैंने बोला ना नए नए कोरियोग्राफर आते हैं बहुत अच्छी बात है मैं अपनी कोरियोग्राफी की देखता हूँ मैं खुद सीखता हूँ उनसे भी सीखता हूँ नए नए कोरियोग्राफर नए नए स्टाइल लाते मेरे ये बड़े स्टूडियो में वी टू एस सॉल में सत्रह अठारह साल के लड़के आते उनसे कभी हाउस सीखता कभी आईफ्रो सीखता कभी उनको अपना स्टाइल देता हूँ लेन देन चलते रहता है तो बहुत है है हाँ एक की बात है कि उनको सही रास्ता मिले जो है, के बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की थी मुझे पता नहीं किसने की लेकिन बहुत कोरियोग्राफी थी हक है उस फिल्म को एकेडमी अवार्ड में जाने का प्लीज़ ये गाना देखिए बम 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 बोले बोले इसका हुक स्टेप भी आपको करके दिखा था बम 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 बोले बोले बम 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 बोले बं बं बोले बम 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 ये त्रिशूल्य चांद ये हुक स्टेप है अभी शिवरात्रि आ रही है प्लीज़ इस गाने को जितना हो सके ए बी म्यूज ए बी बंसल म्यूजिक में यूट्यूब में उनके जाके सब्सक्राइब कीजिए उसको लाइक कीजिए उनको पसंद कीजिए जितना आप ये गाने को पसंद करेंगे उनका हौसला बढ़ेगा अवश्य शिव जी के और बहुत सारे भक्ति के गीत लेके आएंगे तो प्लीज़ वाचिंग, वाच, वॉच 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 बम 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 बोले बोले